यादों का है विशाल आकार, संजो रखा है एक खुशहाल परिवार, एक माला के मोती हैं सब, शिक्षा के मंदिर की ज्योति हैं सब। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार तथा अभिनंदन। आज हमारा रामदास परिवार दिवाली उत्सव मना रहा है। आप सभी की उपस्थिति हमारे लिए बेहद सम्मानजनक है। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। यह रोशनीमय दीपावली आप सभी के लिए सुख समृद्धि एवं खुशहाली लेकर आए। दीप प्रज्वलन होता है तो अंधेरे में उजाला होता है। दीप प्रज्वलन से ही चेहरे पर खुशी झलकती है। अतः मैं आपसे निवेदन करती हूँ, कृपया ईश्वर का आशीर्वाद देते हुए उनकी आराधना करें। दीपावली की ढेरों शुभकामनाओं के साथ आज के कार्यक्रम के लिए उपस्थित हमारी प्रधानाचार्य श्रीमती सोनिया दत्ता जी तथा सभी अध्यापिकाओं से विनती है कि वे कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन तथा दिवाली पूजन से करें। रोशनी होती है दीपक से, वैसा आप सब में जोश भर दो। पावन किया प्रांगण को आपने, दीप जला आगाज कर दो। दीप प्रज्वलन होने के बाद हम माँ लक्ष्मी से आशीर्वाद लेकर इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मंगलम मंगलमयी वरदान दो, शुभ सदन शुभ हो सदा शुभ गान दो। हे विनायक गणपति लंबोदर, हर घड़ी तेरा जुबां पर नाम दो। प्रथम पूज्य मंगल मूर्ति विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की वंदना करना भारत देश की सांस्कृतिक परंपरा है। किसी भी प्रकार का आयोजन हो, सर्वप्रथम गणेश जी को नमन करके ही कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाता है। तो प्रस्तुत है आपके सामने गणेश वंदना। सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची, कंठी जड़के मार मुक्ता फळांची। जय देव जय देव, जय देव जय देव, जय मंगल मूर्ति हो श्री मंगल मूर्ति। दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव। लंबोदर तू विनायका, तू वल्लोणेश्वर मोरया, विघ्नेश्वर तू एक दंत, तू मयूरेश्वरा मोरया। लंबोदर तू विनायका, तू वल्लोणेश्वर मोरया, विघ्नेश्वर तू एक दंत, तू मयूरेश्वरा मोरया। भक्तितुंड तू गजमुखा, तू सिद्धि विनायका। बेमिसाल प्रदर्शन। रामायण दशरथ सुत श्री राम की गाथा है। रामायण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, राम जमा आयन। आयन का अर्थ होता है यात्रा, तो इसी प्रकार रामायण का तात्पर्य श्री राम की जीवन यात्रा से भी है। रामायण के विभिन्न चरित्रों से सीख लेकर हम सब अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों ने रामायण का नाटकीय कार्यक्रम तैयार किया है। तो आइए
आनंद लेते हैं विद्यार्थियों द्वारा प्रदर्शित लघु नाटिका का। प्रथम गुरुवर वंदना स्मरण करो श्री गणेश, नमन है माता शारदा, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये रामायण है रामचंद्र गुण धाम की, ये सुधी जन करिए कथा श्रवण श्री राम की, सब सुधी जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। श्री रघुवंशी दशरथ नृपति चार प्रतापी पुत्र हैं, सबसे बड़े श्री रामचंद्र हैं जिनके नाम सहस्त्र हैं, ज्ञान वशिष्ठ से लेकर आए और तारका पे जय पा, सीता पत्नी रूप में पाई। ये धर्म कथा है धर्म प्राण श्री राम की, ये धर्म कथा है धर्म प्राण श्री राम की, सब सुधी जन करिए कथा श्रवण श्री राम की, सब सुधी जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। तात वचन की लाज निभानी चौदह बरस वन पग, क्षण क्षण सीता ने उस कठिन समय में साथ दिया, राम पाठ सुर पनख पढ़ाई जिसका रावण था एक भाई, लेने को प्रतिशोध वो आया मा सीता को छल से चुराया, ये कथा है नीति धर्म के संग्राम, सुधी जन करिए कथा श्रवण श्री राम की, सब सुधी जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। इस संकट में संकट मोचन हनुमत राम से आ मिले, सीता को खोजे आशा की मुरझाए सुमन खिले, लंका पहुँचे अवध बिहारी
दुष्ट दशानन को संहारी। ये कथा है मर्यादा पालन अभिराम की, सब सुधी जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। सब सुधी जन करिए कथा श्रवण श्री। बेहतरीन प्रदर्शन। किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए नृत्य प्रदर्शन होना अत्यंत आवश्यक होता है। नृत्य मानवीय अभिव्यक्तियों का एक रसमय प्रदर्शन होता है। भारतीय संस्कृति आरंभ से ही नृत्य कला से जुड़ी हुई है। तो रखते हुए आपके मनोरंजन का ख्याल, आइए देखते हैं नृत्य बेमिसाल। बेहतरीन प्रदर्शन। उत्सव में उपस्थित होकर छात्रों तथा शिक्षकों का उत्साह वर्धन करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। रामजस परिवार की ओर से आपको और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। लक्ष्मी जी विराजे आपके द्वार, खुशियों से भर जाए आपका घर बार। जीवन में आए सफलता अपार, शुभकामनाएं हमारी करें स्वीकार। धन्यवाद। शुभ दीपावली।